खिलौना चोर। जबलपुर नाम के गांव में गरीब कॉलोनी के पास ही अमीर कॉलोनी था। राम और श्याम नाम के दो बच्चे गरीब कॉलोनी में रहते थे। वो दोनों अमीर कॉलोनी में खेल रहे बच्चों को जाकर देखते रहते थे। एक दिन राम श्याम से, यार देखो तो सही, वो सब अपने मिनी व्हीकल्स में रिमोट के साथ कंट्रोल करते हुए कैसे मजे से खेल रहे हैं, और हमें देखो, जब देखो गिल्ली डंडा या पुराना टायर या मिट्टी के खिलौनों के साथ ही खेलते रहते हैं। दुखी ना हो यार, हमारे माँ बाप के पास खुद के साइकिल नहीं है, फिर भी बहुत मेहनत करके हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। सब किस्मत की बात है यार, हमारे पास जो कुछ है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलो यार चलते हैं, कहकर वहाँ से चले गए। एक दिन राम और श्याम पैदल जा रहे थे कि उन्हें एक खिलौने की दुकान नजर आई। यार वहाँ देखो तो सही, खिलौनों के दुकान में कोई नहीं है, यही सही मौका है, चुपचाप जाते हैं और कुछ खिलौने ले आते हैं। चोरी नारे ना, और नहीं तो क्या करे, अब अगर खिलौने चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा, और कितने दिन यूं ही बैठे रहेंगे यार। नहीं यार मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है तुम्हारी मर्जी, कहकर वो चुपचाप अकेला गया और खिलौने की दुकान से एक खिलौना उठाकर वापस आ गया। यूं वो उस खिलौने के साथ बस्ती से थोड़ी दूर में जाकर खेलने लगा। यूं हर रोज जाकर एक खिलौना चुराता, उसे एक थैली में डालकर ले आता। राम के इस हरकत से श्याम डर गया और अपने मामा राहुल को जाकर बताया। उसे तुरंत जाकर सबक सिखाना होगा वरना वो चोर बन जाएगा, यूं सोचकर अगले दिन राहुल रिच कॉलोनी के बच्चे और गरीब कॉलोनी के बच्चों को जाकर अपना प्लान बताया। एक दिन राम खिलौने की दुकान से कुछ खिलौने चुराकर थैली में डालकर ले जा रहा था कि तभी एक पुलिस वाला बाइक में उसका पीछा करने लगा। ये देखकर डरकर राम वहां से भागने लगा। जब वो डरकर भाग रहा था, उसके थैली से कुछ खिलौने नीचे गिरने लगे, लेकिन उसकी परवाह किए बिना वो डर के मारे भाग रहा था। पुलिस बाइक में उसका पीछा कर रहा था। यूं थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़ में आने के बाद जब राम ने पुलिस को देखा तो वो समझ गया कि ये तो अमीर कॉलोनी का लड़का गोपी है। तभी राहुल और श्याम के साथ साथ अमीर कॉलोनी और गरीब कॉलोनी के सारे बच्चे वहां पहुंचे। देखा तुमने जो हरकत की उससे तुम कितना डर गए थे, ये तो अच्छा हुआ कि ये पुलिस तुम्हारा दोस्त निकला। अगर यही सचमुच का पुलिस होता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे माँ बाप जो बहुत मेहनत करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, उनकी बहुत बेइज्जती होती। एक बार चोर नाम का ठप्पा लग गया तो वो जिंदगी भर नहीं मिटता, समझे, इसीलिए सुधर जाओ। तब राम रोते हुए, सॉरी मामा जी, ये तो मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने ऐसे काम किया, मुझे माफ कर दो। यार हर रोज आकर तुम देखते रहते थे, हमसे मांगते तो क्या हम तुम्हें खिलौना नहीं देते थे? मुझे मांगते हुए शर्म आती थी इसलिए नहीं मांगा, सॉरी यार। तब से अमीर कॉलोनी के बच्चे और गरीब कॉलोनी के बच्चे मिलजुल कर खेलने लगे।